हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स, फिलेट एंड चैम्फर। फिलेट और चैम्फर का यूज हम किसी भी शार्प एज जहां पर बनना हो उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, मैं फ्रंट प्लेन यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा फ्रंट प्लेन सेलेक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पर स्केचिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया। अभी जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है यहाँ पर शार्प एज आ रहा है, मीन्स रेक्टेंगल का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर शार्प एज बनना है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, मीन्स अगर किस कहीं भी शार्प एज होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग फिलेट या फिर चैम्फर का यूज़ करते हैं। फिलेट क्या होता है, उसमें एक रेडियस दे दिया जाता है कॉर्नर्स पे। और चैम्फर में क्या होता है, एक मीन्स यहाँ से जैसे कट कर दिया जाता है एक लाइन के थ्रू। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फिलेट देखेंगे। फिलेट हमें कहाँ मिलेगा, कमांड मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, स्केच फिलेट एंड स्केच चैम्फर। तो सबसे पहले हम फिलेट ऑप्शन देखेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर रेडियस पहले देता हूँ, फिलेट का रेडियस मान लिया मुझे, मैंने 3 दे दिया है। तो इंटिटीज टू फिलेट मीन्स आपको फिलेट कहाँ पर अप्लाई करना है। मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया है, वर्टेक्स। तो यहाँ पर हमारा ये अप्लाई होगा। अभी आपको ये फिलेट छोटा सा दिख रहा होगा, तो मैं इसको इनक्रीज़ कर लेता हूँ। मैं 3 है तो मैं 5 कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 5 रेडियस का फिलेट लग गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉर्नर पे 5 mm रेडियस का एक राउंड कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, हमारा शार्प जो होगा वो अवॉइड हो जाएगा, शार्प यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हम मीन्स सेम रेडियस का ही सब पे फिलेट दे सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट जैसे 5 mm रेडियस का मैंने यहाँ पर दिया, तो मैं यहाँ पर कोई दूसरे मीन्स 7 mm रेडियस का दे सकता हूँ, यहाँ पर 10 दे सकता हूँ। मीन्स मैं डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकता हूँ सारे कॉर्नर्स पे। तो जैसे भी मैंने यहाँ पर 5 दिया है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू में चेंज कर लेता हूँ। मैं मान लिया 8 कर देता हूँ और मैं ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा। तभी पर मेरा यहाँ पर फिर मैं इंटर की प्रेस करूँगा, तो भी मेरा 8 mm रेडियस का यहाँ पर फिलेट लग गया है। वैसे मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ। आप ये लाइन को भी सिलेक्ट करके फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला लाइन सेलेक्ट किया, ये वाला लाइन सेलेक्ट किया, इंटर करेंगे आप तो यहाँ पर आपको 15 mm का फिलेट दिख रहा है। तो इस तरह से हम फिलेट का यूज कर सकते हैं। आप इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सेम ही 15 mm का अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको दोबारा से कोई भी वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर है वो सेम डायमेंशन का फिलेट यहाँ पर भी लग जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको देखेंगे यहाँ पर सेम का रेडियस का फिलेट लगा है। यहाँ पर हम वेरी कर रहे हैं डायमेंशंस को। तो इस तरह से हमने फिलेट देखा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं चैम्फर, चैम्फर का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, तो हमारा रेक्टेंगल मिलेगा। अभी यहाँ पर जाएंगे डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे, स्केच चैम्फर। मैं चैम्फर सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन हमारा एंगल डिस्टेंस का, मीन्स हमें एक एंगल डिफाइन करना होगा और डिस्टेंस डिफाइन करना होगा। मान लिया अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस डिफाइन करता हूँ 10 mm एंड एंगल है 45 mm, तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो 10 mm डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है और एंगल 45 डिग्री को डिफाइन करके आपको यहाँ पर चैम्फर लगा देगा। आप सेम यहाँ से भी लगा सकते हैं, मीन्स एक बार अब एक्टिवेट किए एंगल और डिस्टेंस, तो आप यहाँ पर भी दोनों जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप ओके कर लेंगे। तो फिर से जो हमारा दूसरा ऑप्शन है चैम्फर में, वो देखते हैं डिस्टेंस।
अभी इसमें हमें क्या करना होगा, अभी यहाँ पर हमारा डिस्टेंस एंगल था, अभी हमें क्या है दोनों साइड से मुझे डिस्टेंस डिस्टेंस अगर देना है तो कैसे होगा। मान लिया अगर मुझे यहाँ से मैं 12 mm का डिस्टेंस देता हूँ D1, एंड जो हमारा D2 है वो मैं देता हूँ 7 mm का। तो जो आप पहला वाला डिस्टेंस, पहला जो लाइन आप साइड सेलेक्ट करेंगे वो हमारा 12 mm का होगा, और जो सेकंड वाला होगा वो 7 का। तो मैं पहले ये वाला सेलेक्ट करता हूँ फिर ये वाला। तो भी आप देखेंगे जो हमारा पहला वाला डिस्टेंस था वो 12 mm वाला था, और जो मैंने बाद में सेलेक्ट किया था वो 7 mm का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस डिस्टेंस शैम्फर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है जो हमारा लास्ट ऑप्शन है स्केच शैम्फर, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। हमारा है इक्वल डिस्टेंस, मीन्स अगर आपको यहाँ पर भी 12 mm का चाहिए और इस साइड में भी 12 mm का चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। मीन्स D1 और D2 हमारा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, मीन्स मुझे एक ही डायमेंशन देना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ इस कॉर्नर पे लगाता हूँ तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 12 mm इधर से भी है और 12 mm इधर से भी है। तो इस तरह से हम शैम्फर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, शैम्फर और फिलेट। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।